अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोफ स्पीक। दोस्तों, मैं आपको बताने लगी हूँ ड्रामा सीरियल सुतेली ममता के एपिसोड 154 के बारे में, जिसपे आप देखेंगे कि जवेरिया खुद ही मनाहिल को यासिर के पास भेजती है और बाद में दानियाल को वीडियो भी भिजवा देती है। उसकी वीडियो देखकर दानियाल बहुत परेशान होता है। जवेरिया इसके पास जाती है और कहती है, मुझे तो पहले ही शक था कि मनाहिल का यासिर के साथ रابطہ है, लेकिन आज कन्फर्म हो गया। मुझे पता है आप भी इसी वजह से परेशान हो। दानियाल कहता है, मैंने एक दफ़ा फिर मनाहिल पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की। जवेरिया बहुत चलाकी के साथ दानियाल को मनाहिल के ख़िलाफ़ कर देती है और दानियाल के दिल में अपने लिए जगह बना लेती है। फिर आगे आप देखेंगे कि दानियाल मनाहिल को कहता है, तुम बहुत घटिया लड़की हो, तुम तो भरोसे के काबिल ही नहीं हो, फिर भी मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने क्या किया मेरे साथ, बेवफाई की। तो मनाहिल कहती है, क्या क्या हो गया है तुम्हें, मैंने क्या बेवफाई की है। तो दानियाल इसे वीडियो दिखाता है जिसमें यासिर ने इसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो दानियाल कहता है, इसीलिए तो मुझसे कह रही थी कि मुझे बस यहीं ड्रॉप कर दें, मैं चली जाऊंगी। तुमने मेरे साथ साथ जवेरिया का घर भी बर्बाद कर दिया है। और मनाहिल खामोश रहती है क्योंकि जवेरिया ने उससे वादा लिया होता है कि तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हें यासिर के पास भेजा था। इसके बाद आप देखेंगे कि जवेरिया मनाहिल के सामने झूठ मूठ रोना शुरू कर देती है और कहती है, मेरी वजह से दानियाल ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, लेकिन तुमने मेरा घर बचाने की खातिर कुछ नहीं बताया, कितनी अच्छी हो ना तुम। तो दोस्तों, ये थी सुतेली ममता की एपिसोड 154। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली नई अपडेट आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुँचती रहे।